पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में दो बार चूक हुई। होशियारपुर में पहले तो एक युवक भागते हुए आया और जबरन राहुल के गले लग गया। इसके बाद एक संदिग्ध भी राहुल के काफी करीब पहुंच गया था। इसके बाद बस्सी गांव में टी ब्रेक में जाते समय एक युवक सिर पर केसरी कपड़ा बांधे हुए राहुल के करीब आ गया। ये देख सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। ये दोनों घटनाएं 35 मिनट के भीतर हुई। देश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी चल रही है। 34 में से 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की 70% से भी अधिक की कमी है। इन राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्जन, महिला एवं बाल रोग समेत विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स की 2021-22 की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। काकुलखेड़ी गांव की नेहा अंजना उज्जैन में बुआ के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही थी। वह ज्ञान सागर स्कूल की एक होनहार स्टूडेंट थी। बात 15 जनवरी 2022 की मकर संक्रांति की है। नेहा अपनी बुआ की बेटी निकिता के साथ स्कूटी से जा रही थी। स्कूटी नेहा चला रही थी। उज्जैन शहर के 0 पॉइंट ब्रिज पर उसके गले में चाइनीज मांझा उलझ गया। खुद को बचा पाती इतने में पतंगबाज ने तेजी से डोर खींच ली। एक युवती की शादी उसके अपनों ने ही धोखे से पाकिस्तानी युवक से करा दी। राज खुला तो कोर्ट ने शादी ही खारिज कर दी। इसके बाद युवती से युवक मारपीट करने लगा, दुबई ले जाने का दबाव बनाने लगा, जिससे वह डर गई। जैसे तैसे चंगुल से छूटकर वह भोपाल आ गई। अब लड़की ने युवक और परिवार वालों के साथ रहने से मना कर दिया है। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की खाली पोस्ट पर भर्तियों में इंटरनल कैंडिडेट्स को प्राथमिकता देने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बीते 27 दिसंबर को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश में प्रदेश के सभी डेंटल और मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर होने वाली भर्तियों में इंटरनल कैंडिडेट्स यानी सेवारत डॉक्टरों को प्राथमिकता देने का फैसला हुआ था। लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस आदेश को लेकर ग्वालियर के डॉक्टर रोहित शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। विक्रम विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने सोमवार शाम को ताबड़तोड़ एक सूचना जारी कर दी। सूचना में 17 से 24 जनवरी तक स्नातकोत्तर स्तर की प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की 8 दिन की परीक्षाएं स्थगित करने की सूचना दी गई थी। परीक्षाएं स्थगित करने के पीछे अपरिहार्य कारण बताया गया है। ऐसे में एकाएक परीक्षाएं स्थगित होने से हजारों विद्यार्थी परेशान होंगे। बार बार होने वाले टेस्ट के चलते गर्भवती बहन की पीड़ा समझकर इंदौर के डॉक्टर ने एक ऐसा डिवाइस बना दिया कि घर बैठे ही तुरंत टेस्ट और उसका रिजल्ट लिया जा सकता है। ये डॉक्टर है इंदौर के संजय पाराशर। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी उन्होंने इस आईडिया का प्रेजेंटेशन दिया। नतीजा ये रहा कि कुवैत समेत मिडिल ईस्ट के लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करने में रुचि भी दिखाई है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम परेशानियों में घिरते नजर आ रहे हैं। उनकी पर्सनल चैट और वीडियो वायरल हुए हैं। 28 साल के बाबर पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने एक साथी खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक चैट की थी। हालांकि बाबर की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शहनाज गिल और पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा का नया गाना मूनराइज आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। गाने में फैंस को दोनों की केमिस्ट्री खूब पसंद आ रही है। इसी बीच गुरु और शहनाज का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों बेहद रोमांटिक अंदाज में सनराइज देख रहे हैं। बैकग्राउंड में उनका नया गाना भी चल रहा है जिसे गुरु ने खुद लिखा और कंपोज भी किया है। सिंगर और रैपर हनी सिंह ने हाल ही में अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात की। इस दौरान हनी ने खुलासा किया कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था जिसके चलते उन्हें इलाज से गुजरना पड़ा। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में हनी ने बताया कि उनके इस बुरे वक्त में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग उनके साथ थे। इस दौरान शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने भी उन्हें सपोर्ट किया था। इतना ही नहीं, दीपिका ने डॉक्टरों से उनका कॉन्टेक्ट भी करवाया था।